City Live, a platform to sharing your thoughts. To sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। टीम सिटी लाइव के इस कार्यक्रम में मैं सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों का इस्तकबाल करती हूँ, वेलकम करती हूँ। टीम सिटी लाइव आपके लिए लेके आया है शब्द संसार। हम चलते हैं आपको लेकर एक ऐसे संसार में जहाँ सांस्कृतिक, साहित्यिक, लय, ताल सब कुछ होगा। जयपुर से मैं मुखर कविता। जयपुर का जब हम नाम सुनते हैं तो सबसे जिंदा दिल, सबसे हसमुख चेहरा क्या कौन सा याद आता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी महफिलों की जान महारानी कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर अमला बत्रा जी। मैं आपको जयपुर सिटी के इस टीम सिटी लाइव पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे साथ अजमेर से जुड़ी हैं विनीता आशीष जैन। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बराबर हक सकती हैं और आपकी रचनाएं, कविताएं, आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, हम जब तक पढ़ते रहते हैं। आपका भी स्वागत है विनीता आशीष जैन। तो टीम सिटी लाइव में हम रूबरू होंगे आप दोनों से और हम सुनेंगे हम तीनों की कविताएं, रचनाएं। तो शुरू करें जी। अमला बताइए। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी, आप मंच पर आए और हम सबसे रूबरू हो रहे हैं। तो मुझे मालूम है अमला जी, आप सिर्फ शैक्षणिक ही नहीं, आप साहित्यिक और सांस्कृतिक, लोकगीत सभी में रुचि लेती हैं और मैंने ये भी देखा है कि आप आध्यात्मिक किताबों को भी बहुत पढ़ती हैं। मैंने एक दो किताबों में आपकी भूमिका पढ़ी थी। तो आज आप किस प्रकार की रचनाएं लेके आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? मैंने लिखी थी, अलग अलग मूड की हैं और वही लेके आई हूँ मैं। और मैं अभी आपको सुनाती हूँ, आप जब कहें, आप कह रही है मुझसे मैं सुनाऊं? यस, आपका ही पहली चांस है, आप ही बोलेंगी मैम। अच्छा, आजकल जिंदगी जो है बहुत उथल पुथल क्रिएट किया हुआ उसने सबकी जिंदगियों में, है ना। और जिंदगी वैसे भी कहते हैं जब अपन बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत उथल पुथल होती है जिंदगी में, तो कहते हैं भाई क्या कर रही है, तो जिंदगी कहती है हंसकर कि मैं तुझे जीना सिखाने आई हूँ, मैं जिंदगी हूँ। तो इसी तरह से आजकल जो हमारे पूरे वर्ल्ड ओवर चल रहा है जिंदगी का हाल, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी जिंदगी पे लिखी हुई है, वो मैं आपको भी सुना रही हूँ। ओके, जिंदगी एक पहेली है, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। सुख दुख की अनुभूति देती, सुख दुख की अनुभूति देती, हमको जीवन का संघर्ष सिखाती, हमको जीवन का संघर्ष सिखाती, कभी दुखों से समझौता कराती, कभी सुखों का सुकून दिलाती, पुराने दोस्तों से कभी नाता तुड़वाती पर नए दोस्तों से भी मिलाती, तो कभी नए दोस्त भी बनवाती, कभी बहारों के चमन में ले जाती, कभी मरु धरती का आभास कराती, कभी बहारों के चमन में ले जाती और कभी मरु धरती का आभास कराती, कभी महफिलों में ले जाती, कभी महफिलों में ले जाती, कभी सन्नाटों का एहसास कराती, कभी चांद की चांदनी से नहलाती, कभी चांद की चांदनी से नहलाती,
कभी अमावस्या की रात दिखाती, कभी समुद्री तूफानों को लाती, कभी समुद्री तूफानों को लाती, कभी एक नदिया सा सरल बना देती, कभी खुशियों से भर देती झोली, और कभी झकझोर कठिनाइयों की बनती हम झोली, कभी झकझोर कठिनाइयों की बनती हम झोली, ऐसे हर पल रूप बदलती ये जिंदगी, आखिर कौन कैसे भरोसा करे जिंदगी का, इस पह एक पहेली सी लगती है ये जिंदगी, एक पहेली सी लगती है जिंदगी, जैसे आजकल सारे रंग रूप देख रहे हैं हम लोग, और आज के समय में तो हमको दिखा दिए कि कितने रंग देखे हमने, आपने अपनी कविता में सारे रंग देखे हैं जिंदगी की, ऐसा ऐसा लगता है कविता की जिंदगी की परिभाषा ही बदल गई इन दिनों, बदल गई मन, जीना भी अलग ढंग से हो गया है, बिल्कुल सब कुछ बदल गया है जी। तो ये थी जिंदगी, एक और हो गया सुनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुना रही हूँ मैं आपको हसरतें, हसरतें बीते दिनों के साथ साथ, बीते दिनों के साथ साथ उछलती लहरों के पास पास, बीते दिनों के साथ साथ उछलती लहरों के पास पास, अपने सपनों के द्वार पर मैं भी किनारा ढूंढती हूँ, मैं भी किनारे पर ठहरती हूँ, अपने सपनों के द्वार पर मैं भी किनारा ढूंढती हूँ, मैं भी किनारों पर ठहरती हूँ, पुरवाई सरसराती बहती है, पुरवाई सरसराती बहती है, एक महक भी साथ महकती है, पुरवाई के साथ साथ महक भी महकती है, पुरवाई सरसराती बहती है, एक महक भी साथ महकती है, लहरों को गले लगाती है मेरी हसरतों का मन बहलाती है, लहरों को गले लगाती है मेरी हसरतों का मन बहलाती है, बैठे बैठे खुल जाते हैं द्वार मन के, बैठे बैठे खुल जाते हैं द्वार मन के, यादों से भर जाते हैं ख्वाब मन के, यादों से भर जाते हैं ख्वाब मन के, जिंदगी मानो सालों अतीत पर चली जाती है, जिंदगी मानो सालों अतीत पर चली जाती है, और पता नहीं कितने सैलाब भर लाती है, और पता नहीं कितने सैलाब भर लाती है, जीवन के बरस यूं ही बीतते जाते हैं, जीवन के बरस यूं ही बीतते जाते हैं, रिश्तों को यादों से संवारते जाते हैं, रिश्तों को यादों से संवारते जाते हैं, मन के रिश्ते मानो पक्के होते जाते हैं, मन के रिश्ते मानो पक्के होते जाते हैं, पर फिर भी कई कच्चे टांकों से उधर जाते हैं, पर फिर भी कई कच्चे टांकों से उधर जाते हैं, ये है जिंदगी, जिंदगी। और मैम आपने तो सब उहार लगा दी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समय को परिभाषित किया है, ये जो समय है इसमें हम सभी अपनी अपनी हसरतों को भी गिन रहे हैं, जिंदगी को भी बुहार रहे हैं, देख रहे हैं, देख रही हो अशिता परी जी रहे हैं आजकल, बिल्कुल बिल्कुल करते थे हम उनसे मिलते थे, हम ऐसे समय काटते थे, ऐसे होता था सारी अतीत की यादें मारे गुब्बारे की तरह से आपको, मुझे प्रकृति से विशेष लगाव है, और आजकल सब अपने घरों में बंद झरोखों से या खिड़कियों से झांक रहे हैं बाहर, तो उस वक्त जब अगर आप प्रकृति में विचरण कर पाते हैं, अपने बगीचे में टहल पाते हैं, तो या आप जहाँ पे वॉक करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो आप नजारा देखते हैं, वो कुछ चंद लाइनें हैं। स्वागत है। कविता का शीर्षक है खुशी। खुशी। आज मैंने जिंदगी से बात की, आज मैंने जिंदगी से बात की, हंसते लम्हों से नजरें दो चार की, उगते सूरज को सलाम किया, सर्द हवा को अपने गालों पर महसूस किए,
खिलखिलाते गुलाबों को सहला भर दिया, ओस भरी धूप को अपने तलवों पर महसूस किया, जागते पंछियों का तराना सुना, झूमती पत्तियों को नाचते देखा, जागते पंछियों का तराना सुना, झूमती पत्तियों को नाचते देखा, अधखिली कलियों को खिलते देखा और भंवरों को किलकते देखा, धरती को अंबर से मिलते देखा, प्रकृति का अद्भुत सृजन होते देखा, कभी खुल के हंसी, कभी यूं ही मुस्काई, आज मैंने जिंदगी से बात की, हंसते लम्हों से नजरें दो चार की। बहुत कुछ ये बात तो तुमने बिल्कुल विनीता जी आपने बिल्कुल सही कहा जी। बहुत कुछ देख रहे हैं हम पिछले दिनों, और इन दिनों को इतिहास में और शब्दों में संजोने का ये जो तरीका है आपका बहुत खूबसूरत है, और प्रकृति प्रकृति के स्वरूप को भी तो हमें ही संजोना है, हम ही तो कलमकार हैं जो इसको संजोएंगे, है ना। तो विनीता जी एक और कविता हो जाए जरूर। आज का जो माहौल है उसमें कभी कभी मन थोड़ा सा बुझ जाता है, और कभी ऐसा लगता है कि हम सायों से घिरे हुए हैं या मन में कोई खुशी नहीं है, तो उस पल मन में क्या भाव आता है। चलो, ये कविता का शीर्षक है गीत। चलो आज फिर से मुस्कुराएं, दुखते मन पर मरहम लगाएं। चलो आज फिर से मुस्कुराएं, दुखते मन पर मरहम लगाएं, पहुंच लें पलकों में मचलते आंसुओं को, चलो आज फिर से मुस्कुराएं। छुपी बैठी है जो कहीं दिल के अंधेरे कोने में, छुपी बैठी है जो कहीं दिल के अंधेरे कोने में, ढूंढ लाएं आज फिर से उस हंसी को। गम से बेहतर है ना खुशी, फिर क्यों ना वो हंसी थोड़ी सी चेहरे पर ले आए। चलो आज फिर से मुस्कुराएं, देखकर तुम्हारे चेहरे की लाली, मन मेरा भी खिलखिलाए, आओ आपस में बांट लें थोड़ी खुशी, चलो एक गीत गुनगुनाएं, चलो आज फिर से मुस्कुराएं, चलो आज फिर से मुस्कुराएं। देख रहे हैं दोस्तों, पिंक सिटी लाइव हमारे बीच में कैसे मुस्कुराहट लेके आया है। धन्यवाद विनीता इस मुस्कुराहट के लिए। तो जब हम इतनी बातें कर रहे हैं तो एक विषय से हटकर कुछ कविता सुनाना चाहती हूँ, और वही जिन क्रांतिकारी कविताओं के लिए लोग मुझे बोलते कि आपकी कविताएं का रंग कुछ यही है, तो उसी रंग की कविता है, और कविता का शीर्षक है सहूलियत। उसमें उसमें इतना तो दिमाग हो कि वो काम कर सके, अपने लिए भी कर सके, मेरे लिए भी कर सके, मगर वही जो मैं कहता हूँ, मेरे बिना बोले कर सके, वही जो मैं चाहता हूँ। उसमें इतना तो दिमाग हो कि वो सोच सके घर की, परिवार की भलाई, खानदान की इज्जत, इससे ज्यादा दिमाग न ही चला है तो बेहतर। अच्छा, क्या कहा, स्वतंत्र सोच, स्वयं की भलाई, अजी हम क्या मर गए हैं, हम सब जानते हैं उसका अच्छा उसका बुरा, दुनिया देखी ही कहां है उसने, उसे क्या मालूम क्या पढ़ना पहनना, कहां जाना, किससे बात करनी क्या बात करनी, जीवन साथी बच्चे कितने कब, हम ही देखेंगे सब। उसे तो बस देखना है घर कैसे सजाना है, खाने में क्या पकाना है, वो भी सबकी मर्जी का, सबको खुश रखना ही उसका एकमात्र धर्म है, बाकी सब जो मेरा है उसी का तो है, वो कोई मुझसे अलग तो नहीं, अब मैं हर बात बोलूंगा तो नहीं ना, मैं आखिर कहाँ कहाँ नजर रखूं, मर्द हूं बिजी हूं। उसमें इतना तो दिमाग हो, क्या पूछा आपने, मैं कौन हूं, मैं, हाँ 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 जी हाँ, सही समझे आप,
मैं पिता, पति, भाई, मैं, पितरात्मक, समाज। बहुत खूब, ये है मेरी कविता सहूलत। आज की सच्चाई जी, बिल्कुल आज की, हमेशा की मैम, हमेशा की सच्चाई है, हमेशा की सच्चाई है, जाने का भी नहीं सबसे बाहर। खुद का काम तो करो और मेरा भी करो साथ में। हाँ बस इतना ही दिमाग होना चाहिए, दिमाग तो सही बात है, सही एक छोटी सी मैं रचना पढ़ती हूँ, जिसको कविता कहते हैं नहीं कहते हैं, पर शीर्षक जरूर कविता है। वो है छोटी सी है, हाँ वो छोटी सी है। वह जो श्रम था साथ काम करने का, साथ पर काम पर जाने का, वह जो प्रेम था मिलकर पकाने खाने का, वह जो आशा थी काम की और सेहत की, एक निश्चिंतता थी गहरी नींद सो जाने की, वही वही कहीं था जीवन रस, वही एक कविता सांस ले रही थी। सांस ले रही, क्या बात, कविता कहाँ से बनती है। बिल्कुल हाँ, तो अब आप कुछ बताइए, बता रही अमला, बता दी आप, बताइए हाँ, आप क्या सुना रही हैं जी। सुनाती हूँ मैं, अभी अभी कहा परिंदों की चहक है आजकल, प्रकृति बहुत खूबसूरत हो रही है आजकल, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत फायदा है, सब कुछ बंद तो पक्षी चहक रहे हैं और जानवर भी अपने घरों से निकल रहे हैं, घर इतनी हरियाली हो रही है चारों मेर, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है कारों का, एयर कंडीशनर्स का, कुछ भी नहीं है। तो अभी बहुत अच्छा सुनाया, चलिए मैं इसी पे कुछ सुना देती हूँ। हाँ, स्वागत। यादों के परिंदे उड़ते पंख फैलाए, नापते ऊंचाइयों को, सब कुछ पीछे भुलाए। यादों के परिंदे उड़ते पंख फैलाए, नापते ऊंचाइयों को, सब कुछ पीछे भुलाए। मीठी यादें भी, कड़वी यादें भी, सच्ची यादें भी, भूली यादें भी। आजकल तो जीवन यादों पे ही निकल रहा है ज्यादा अपन सबका, नहीं? मीठी यादें भी, कड़वी यादें भी, सच्ची यादें भी, भूली यादें भी। मनन करता मन, मनन करता मन, कल्पना करता तन, उन कल्पनाओं पर न्योछावर तन मन। मनन करता मन, कल्पना करता तन, उन कल्पनाओं पर न्योछावर तन मन। इनके पार जाती निगाहें, इनके पार जाती निगाहें, शब्द स्तब्ध कुछ ना कह पाए। इनके पार जाती निगाहें, शब्द स्तब्ध कुछ ना कह पाए। मेरी भावनाएं पथरीली, मेरी कामनाएं उलझी सी, मैं स्तब्ध ठगी सी, मैं स्तब्ध ठगी सी, यादों में। सच में दिन दिन यादें हमारे मन के विभिन्न भावों को जगाती है, सही कह रहे हैं आप, क्या क्या सोचे। जी 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 तन्हाइयां, अब मैं जो सुनाने जा रही हूँ वो है तन्हाइयां। तन्हाइयां, वाह वाह। तन्हाइयों से घिरे अपनों को याद करते हैं, तन्हाइयों से घिरे अपनों को याद करते हैं, जिंदगी की सुबह शाम यूं ही बर्बाद करते हैं। तन्हाइयों से घिरे अपनों को याद करते हैं, जिंदगी की सुबह शाम यूं ही बर्बाद करते हैं, यूं ही बर्बाद। अंधेरे की राहों में खड़े हैं इंतजार में, अंधेरे की राहों में खड़े हैं इंतजार में, शायद कोई भूल करके आ जाए इस राह पर, शायद कोई भूल करके आ जाए इस राह पर। याद आते हैं वे क्षण जब साथ साथ खेले बैठे पढ़े थे, खास तौर से ये डिपिक्ट करती है मेरी फीलिंग मेरे सिब्लिंग्स के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो सब अब्रॉड है, जो सब अब्रॉड है, कोई भी इंडिया में नहीं है, तो मेरे को आई एम श्योर, हाँ शायद कोई भूल भूल करके आ जाए इस राह पर। याद आते हैं वे क्षण जब साथ साथ खेले पढ़े, जब साथ साथ खेले और पढ़े, भुला करके भी हम उन्हें नहीं भूल पाते हैं, भुला कर भी हम उन्हें नहीं भूल पाते। शहर जाने के बाद हो जाती फिर मंदिर के दर्शन, शहर जाने के बाद हो या फिर मंदिर के दर्शन, मतलब साथ साथ जाया करते थे और मुझे बहुत शौक है मंदिर जाने का, है ना, इसलिए वो शहर जाने की बात हो या फिर मंदिर के दर्शन, हर जगह वो साथ साथ जाने कैसे आते हैं,
हर जगह पता नहीं वो साथ साथ कैसे आती चले आते, सही। वह पल वह बीते लम्हे मानो बहती नदियां की तरह हमें तड़पाते हैं, मानो तड़पाते हैं। बैठी रहती हूँ आस लगाए, शायद अब कोई इस राह पर जरूर वापस आए, शायद इस राह पर कोई वापस जरूर आए। अमला बता जी ने हमें अपने सभी यादों के राहों में चला दिया है, हम चलते चलते कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, वो मंदिर, वो बाग, वो सुबह का घूमना, वो मस्तियाँ, सब कुछ। तो विनीता, तुम कौन सी गलियारों में घूम रही हो? अरे हैं मैम, वही ले गई हैं तो वही घूमने का भी मन कर रहा है। कुछ मिला तो... सुनाती हूँ आप कुछ एक सहेलियां मेरी बाहर रहती हैं, वतन से दूर उनके मन में क्या क्या भाव आते होंगे, या फिर मैंने अपने आप को उनकी जगह पे रख के कुछ उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करी। ये कविता है मेरा घर। मेरा शहर, मेरी गली, मेरा घर मुझे बुलाता है, मेरा वतन मुझे बहुत याद आता है, कभी चुपके से उसका साया मुझे छू जाता है, कभी यहाँ सन्नाटे में बैठे हुए वहां का कोलाहल सुनाई देता है, और सुनाई देती है सुबह की अजान, मंदिरों की घंटियां, चिड़ियों की चहचहाहट, दूर किसी के आंगन से कानों में रस घोलती शगन के गीतों की मिठास। मेरे बचपन से मेरी पूंछी तक, मेरी हर याद के एहसास से मेरे कैनवस तक, उन चूड़ियों की खनक से उन झुरियों की झलक तक सफर करता है मेरा वतन। बगीचे में हंसता खिलखिलाता झूमता बचपन याद आता है, झूले की पेंग से आसमां की ऊंचाई छूना याद आता है, बारिश में छत पर भीगना याद आता है, और भीगती महकती मेरी मिट्टी की सौंधी खुशबू याद आती है, पेड़ों में छनती मेरे आंगन में बिखरती धूप याद आती है, मेरे कमरे की खिड़की से झांकता मुझे लुभाता वो गुलमोहर का पेड़ याद आता है, भरोसा माँ का प्यार याद आता है। मेरे घर का कोना सिर्फ मेरा था, जहां बुने थे कई सपने, चलती थी कई उम्मीदें, वो कोना याद आता है, गली के मोड़ पर मेरा रास्ता निहारता वो नीम का पेड़ याद आता है, दूर मेरे गांव में पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर झिलमिलाती धूप याद आती है, और पीछे से मुझे आवाज देता मेरा बचपन याद आता है। ये तो नहीं कि मैं यहाँ खुश नहीं, ये तो नहीं कि मैं यहाँ खुश नहीं, पर मेरी यादों में रहता है मेरा वतन, मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट पर लहराता है तिरंगा शान से, मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट पर लहराता है तिरंगा शान से, हाँ मेरे दिल में ही तो बसता है मेरा वतन, मेरा वतन मुझे बहुत याद आता है, मेरा शहर, मेरी गली, मेरा घर मुझे बुलाता है। धन्यवाद। बहुत खूब, सच में शुक्रिया। अपने घर से, अपने शहर से, अपने वतन से दूर होने पर उसकी याद बहुत सताती है, और यादों में जो आपने कलेक्शन किया है वो भी बहुत खूबसूरत है विनीता जी, वो गुलमोहर का पेड़ और वो कमरे का कोना, जी हाँ, ये एक्चुअली बहुत खूबसूरत। अलग अलग मेरी सहेलियां हैं, एक आर्टिस्ट है तो उसकी कूची में सफर करता है, एक सिंगर है और एक के घर में गुलमोहर का पेड़ है जो उनके मम्मी पापा के हैं, तो मैंने अपने आप को उनकी जगह पे रख के कोशिश करी कि उनको क्या क्या याद आता होगा। सही, एक एक कलमकार यही होता है जो अपनी काया से निकल कर पर काया प्रवेश करता है और उनके सुख दुख, उनके भावों को स्वयं का महसूस करके उसकी रचना करता है। आपने इस धर्म को बहुत बखूबी निभाया है विनीता जी, और यादों और हसरतों और जिंदगी से एक पन्ना कुछ अलग सा जी, टॉपिक है, शीर्षक है आज बड़ी खुश हो। वाह, स्वागत।
मैं जब अकारण ही खुश होती हूं, अमला जी सुनिएगा, मैं जब अकारण ही खुश होती हूं, मैं हूं ना का बैंड आ जाता है। देखिए ना मूवी मैं हूं ना, बिल्कुल मैं हूं ना का बैंड आ जाता है। बिना धुन ही मैं झूमने लगती हूँ, जाने कहाँ से घनेरे बादल आ जाते हैं और सारा का सारा पानी मुझ पर ही बरसाते हैं। किसी सिनेमा की ही तरह मैं मुझसे ही कहीं दूर, बहुत दूर चली जाती हूँ, उड़ जाती हूँ। पीछे मुड़कर जो देखती हूँ, खुद को खोई हुई हल्का सा मुस्काती पाती हूँ। गली में कचरा बीनते बच्चों के हाथों में हाथ लेकर चकर घिनी लगाती हूँ। मटका बेचती उस दादी के गुदगुदे गालों को इतिहार की नायिका की तरह कुचिकू करती हूँ। शहर की सड़कों गलियों से गुजरकर मंजिल पर छोड़ने आए ऑटो चालक के आंखों में झांक कर लव यू कहती हूँ कि ऑटो गायब, ड्राइवर उड़न छू। सड़कें गलियां भी फिजा में घुल गई हैं, वो बच्चे वो दादी जाने कहां गुम हो गई हैं। मैं हूं ना का बैंड भी नदारद, तभी इनकी आवाज आती है, अरे भाई ऐसा क्या लिख रही हो, बड़ी खुश दिख रही हो। एक एक दृश्य दृश्य खड़ा किया है शब्दों के माध्यम से, और मुझे आशा है कि ये दृश्य लुभावना रहा होगा। बिल्कुल वो गुदगुदे गाल तो बहुत ही प्यारे थे। कविता कविता मुझे तो दादी के गाल याद आ रहे, गाल याद आ गए। किस वो जो इश्तहार होता है चिकू, हाँ हाँ विनीता, स्कूल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा चूरन बेचती थी जी। बहुत अरसे पहले की बात है, शायद हम थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में होंगे, जब इतना 1-25 पैसे हाथ में जरूर दिए जाते थे कि बेटा कुछ ले लेना अगर मन है तो तब ऑरेंज बार भी इतने की आती थी और वो चूरन चूरन तो 5-10 पैसे में ही मिल जाता था। तो वो एक जो चटपटा स्वाद है वो जुबान पे शायद ठहरा हुआ है, और वो 25 पैसे में ऑरेंज बार की जगह वो दुनिया भर के भतेरे वो जो स्वाद थे जो वो टोकरी में लेके बैठती थी और पत्ते पे देती थी, वो बड़े याद आते। तो आप वहां ले गए हमें बुढ़िया के दादी के गुदगुदे गालों के साथ। मैं का बैंड है ना, ये बहुत सारी यादों में बजता रहता है ना। जी जी जी। मैं मेरे ख्याल से मेरे एक कविता और पढ़नी चाहिए मुझे। शीर्षक है, दरअसल अभी मदर्स डे गया था तो मैं इस मौके को लेना चाहती हूँ, मदर्स डे पे एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। शीर्षक, माँ जाने के बाद माँ कई बार मिली, जाने के बाद माँ कई बार मिली, किन्हीं आंखों में मिली, सर पर रखे किन्हीं हाथों में मिली, कल जो पार्सल मिला उपहार में झलक माँ की मिली। फोन पर आप डांट रही थी, जाने क्यों लगा माँ है। यूं ही किसी फिक्र में कभी किसी जिक्र में, कहीं से उठती महक में कभी किसी खनक में, थोड़ी सी कभी तो कभी मुकम्मल मिली, जाने के बाद माँ कई बार मिली, जाने के बाद माँ आजकल का माहौल देख के सभी भगवान को याद कर रहे हैं अपन लोग और कह रहे हैं ये क्या किया तूने, ये क्यों किया तूने। सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं इसी पे सुनाती हूँ, ये क्या किया तूने। स्वागत है। इतना लंबा जीने का सिलसिला लगता है क्यों चला, मैं सोचती हूँ आज। इतना लंबा जीने का सिलसिला क्यों लगता क्यों चला, मैं सोचती हूँ आज। ये क्या किया तूने, ये क्यों किया तूने, पर फिर सोचती हूँ अच्छा ही किया तूने। कुछ संघर्ष दिए,
जीने का एहसास कराने को, कुछ संघर्ष दिए जीने का एहसास कराने को, कुछ खुशियां दी जीवन सजाने को, कुछ खुशियां दी जीवन सजाने को, कुछ दुख दिए तेरा नाम याद दिलाने को, कुछ दुख दिए तेरा नाम याद दिलाने को, दिए दुखों को भुलाने को, सुख दिए दुखों को भुलाने को, रिश्ते दिए कुछ अच्छे कुछ सच्चे, कुछ अपने कुछ बेगाने, रिश्ते दिए कुछ अच्छे कुछ सच्चे कुछ अपने कुछ बेगाने, जीवन भर बताने को, जीवन भर बताने को। मैं सोचती हूँ आज ये क्या किया तूने, ये क्यों किया तूने, फिर सोचती हूँ बहुत अच्छा ही किया तूने। एक एक करके याद आते हैं सिलसिले, एक एक करके याद आते हैं सिलसिले, जोड़ते हैं ताना बाना मानो मेरा दिल से, जोड़ते हैं ताना बाना मानो मेरा दिल से, जूझती हूँ पूछती हूँ अपने से ये क्या किया तूने, ये क्यों किया तूने, पर फिर सोचती हूँ अच्छा ही किया तूने। याद आते हैं बचपन के वो दिन, वह स्कूल जाना खाना खाना खेलना, जीवन के संघर्ष से पूर्ण अनभिज्ञ, जीवन के दुखों से पूर्ण रिक्त, खुशियों की लहरों में पूर्ण लिप्त, पर फिर अचानक याद आता है ये क्या किया तूने, ये क्यों किया तूने, पर सोची हूँ अच्छा ही किया तूने। खड़ी हूँ मंदिर के बाहर में, खड़ी हूँ मंदिर के बाहर में, एक टक देख कर रही तेरा इंतजार में, खड़ी हूँ मंदिर के बाहर में, एक टक देख कर रही इंतजार में, शायद तू मुझे बुलाएगा आशीर्वाद का हाथ उठाएगा, तभी मैं फूलों को तेरे चरणों में स्वीकार कराऊंगी, तभी मैं फूलों को तेरे चरणों में स्वीकार कराऊंगी, रह रह कर तेरा गुण गाऊंगी, आंसुओं को आंखों से पोंछ बार एक बार फिर कहूंगी ये क्या किया तूने, ये क्यों किया तूने, फिर अच्छा ही किया तूने। ये है ये क्या किया तूने। बहुत खूब है, पता चल रहा है कि आप आध्यात्मिकता में कितनी ढीली हुई है। जीवन का जो ये गुलदस्ता है इसमें एक फूल सूखता है तभी तो नया आता है, जबी तो यह विविधता से भरा हुआ है। बहुत खूबसूरत मैम, बिल्कुल मूड ही बदल दिया आपने। हाँ विनीता कुछ कहो। जी अमला जी देखो कविता, रोज तो सारा दिन एक सा मूड रहता है, है ना, सुबह वही, सुबह से शाम तक की दिनचर्या अपन सबकी आजकल एक सी है ना जी, आज जी, अच्छा जी, है विविधता आ गई अपनी दिनचर्या में, आप सबसे मिलके भी, आप सबको सुन के भी, और फिर कुछ सुना के भी अच्छा लगा। थैंक्स टू टीम सिटी लाइव। बिल्कुल विनीता क्या कहना चाहोगी इसको? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही कहा जी। इसी पे ही मैं आपको सुनाती हूँ, मेरी एक कविता है। माफ कीजिएगा। हाँ बिल्कुल हाँ, वो क्या स्क्रोलिंग में कहीं नीचे चली गई थी जी। हाँ कविता का शीर्षक है इल्तिजा। मैम आपने मंदिर का जिक्र किया, आपने अध्यात्म का जिक्र किया, और हम खुद को किस तरह ढूंढे, किस तरह खुद को पहचाने, अपनी पहचान अपने आप से किस तरह करें, और जिस वक्त ये माहौल बना जो ये इस वक्त बन रहा है चल रहा है, तो उस वक्त ये मैंने लिखी थी। कविता का शीर्षक है इल्तिजा। तुझसे मिलने की ख्वाहिश लिए तुझसे रूबरू होने चला आता हूँ, कितने जतन से कितनी लगन से तेरे दर पे चला आता हूँ, मुझे मालूम है तू मिलेगा मुझको, बस यही ख्वाब नजरों में बसा लाता हूँ,
मन में बस यही तस्वीर संजो रखी है, तेरी ही जोत इस दिल में जला रखी है। आया हूँ दर पे तेरे आज ए खुदा, हथेलियों पर मेरे एक दुआ रखी है, तेरी रहमत रहे बंदों पे तेरे, बस यही अलख जला रखी है। सीढ़ी दर सीढ़ी मैं चढ़ता चला जाता हूँ, जितना गुरूर था वो पीछे छोड़े जाता हूँ। कोई क्रोध नहीं, लोभ नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, सब भुलाकर दर पे तेरे चला आता हूँ। बहुत मुझे मालूम है कर्म होगा तेरा सब पर, मुझे मालूम है दुआ का भी होगा असर, मुझे मालूम है नेमते तू बख्शेगा हमें, तेरे बंदे हैं हम, खड़े हैं तेरे आगे झुका के सर। तेरी लौ से रोशन है खुदाई तेरी, तेरी दुनिया पे हो इनायत तेरी, फिर से चहके ये गुलशन तेरा, फिर से खिल जाए रंगों से ये जहां, मेरे हाथों में बस यही है दुआ, मेरे हाथों में बस यही है दुआ, मुझे मालूम बहुत है तू मिलेगा मुझको, मुझे मालूम है फिर से सवेरा होगा। सही, बहुत खूब। धन्यवाद। जब मन डूब रहा होगा जी और जी यही है हमारी हम सबकी इल्तिजा, जब दिल डूब रहा हो, जब कुछ जी सूझ नहीं रहा हो, तो यह आस्था ही हमें परिमार्जित करती है, हमें सही राह बिल्कुल दिखाती है, हमें पार और लगाती है आस्था के इस रूप को हम बिल्कुल स्वीकारते हैं। जी। समय का मुझे पता नहीं चल रहा है, तो आपकी ओर मैं से अमला जी एक से कविता। गुजारिश करूंगी कुछ और पन्ने पलटे, कुछ अच्छा और सुनाए। बिल्कुल नहीं तो पन्ने तो मैं भी पलट लेती हूँ, अगर आप मैम मिल रहा है पलटना, आपको आप बताइए। पलटो, आप आप पलटो, मैंने पढ़िए, तो खूब सुना। आप पढ़िए कविता जी, आप मैं पढ़िए। पढूं? हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी मैं फेसबुक पर किन्हीं दोस्तों की आपस की गुत्थम गुत्था देख रही थी, जी तो मन में कुछ विचार आए कि हाँ, आखिर दोस्ती कैसी हो, बहुत आखिर दोस्ती बहुत कैसी हो। बहुत बढ़िया। तो बात यह है कि दोस्तों की तो दोस्त ही हूँ, जी दुश्मनों की भी दोस्त ही हूँ। क्या बात है, बहुत दोस्तों की बढ़िया। तो दोस्त हूँ ही, हाँ दुश्मनों की भी दोस्त ही हूँ। बात और है कि दुश्मनी में आत्मसम्मान की जुगत को अहम का नाम देते हैं। आत्मसम्मान में आपने कभी कुछ चुप्पी साध ली या कुछ कह दिया, बात ढक दी, बात उघाड़ दी, वो अहम बन जाता है। आत्मसम्मान की जुगत को अहम का नाम देते हैं अपने और मेरे आगे पीछे लिए गए कदमों का रखना हिसाब। अपने और मेरे आगे पीछे लिए गए कदमों का रखना हिसाब। कभी जो मेरी याद आए, नाप लेना हद निशान, कि खत्म होने से पहले ही मिलूंगी मैं बाहें फैलाए। बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कभी वाह वाह। चुप्पी साध लेनी एक बात होती है, लेकिन जब वो सारे जो आगे पीछे हिसाब लिए हैं उनको निशान बांधेंगे तो हम मिलेंगे, दोस्ती फिर कायम होती है। बिल्कुल होती है, मैं बिल्कुल होती आज जो तैयार करी थी मेरे पास यही है। विनीता जी आपको सुना रहे हो, या अमला जी कुछ रेडी है? है। मैंने तो खूब अमला सुना मैम दिया आप है। सुनाएं। नहीं मैम आप जी सुनाइए। मैं अमला जी, सुनाऊं, क्या सुनाऊं, सुना दिया। विनीता बताओ। जी मैं सुना देती हूँ आपको, बस खोल ली है। हाँ क्या सुनाऊं, लंबी सुनाऊं, छोटी सुनाऊं, बड़ी सुनाऊं, बेटियों पे सुनाऊं क्या? सुनाओ। बिल्कुल बेटियों की तो काफी सुनी हुई होंगी आपने, है ना? हाँ, ये कभी टॉपिक खत्म नहीं होगा, जब तक हम बेटियां हैं तब तक होना है। बेटियां हैं तो प्यार तो हमेशा ही रहेगा। ये तो है ही, बेटियां तो है ही, ऐसी प्यार का संसार है वो, उनके बिना जी कुछ जी नहीं जी है, कुछ नहीं है। जी देखिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सागर का नीर सुनाती हूँ। जी आजकल क्या है, नेचर पे बहुत जा रहे हैं अपन, नेचर बहुत खूबसूरत हो चुका है और नेचर से ही जी बातें कर रहे हैं अपन लोग, क्योंकि और तो कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, नहीं इस कारण।
सागर के नीर में हमने भी लहरें देखी हैं, सागर के नीर में हमने भी लहरें देखी हैं, हमने भी लहरों को चट्टानों से लिपटता देखा है, हमने भी लहरों को चट्टानों से लिपटता देखा है, दूर कहीं से कागज की नावों को आता देखा है, दूर कहीं से कागज की नावों को आता देखा है, दूर कहीं लहरों में झूमता सिमटता आता देखा है। ये है नाव की बातें। मैं पास गई नावों को छूने, मैं पास गई नावों को छूने, मैं पास गई नावों का इतिहास पढ़ने, मैं पास गई नावों का इतिहास पढ़ने, मुझे लगा इन नावों पर मेरी दास्तां लिखी है, मुझे लगा इन नावों पर मेरी, क्योंकि बचपन की नावें होती है ना कागज की, तो बचपन की नावें, तो मुझे लगा कि नावों पर मेरा इतिहास लिखा है, मुझे लगा इन नावों पर मेरी बचपन की कहानी लिखी है। मैंने कोशिश की इन पर लिखा हुआ पढ़ूं, मैंने कोशिश की इन पर लिखा हुआ मैं पढ़ूं, मैंने कोशिश की इनको सीने से लगा लूं, मैंने कोशिश की इनको सीने से लगा लूं। यह मेरे बचपन की नावें थी, शायद यह उस बरखा के पानी की यादें थी, सोच रही थी गुमसुम खड़ी, आंखें रही थी थकी थकी थकी, झरझर नीर उनसे टपक रहे थे, हवा का एक झोंका ऐसा आया। देखिए, मैंने कोशिश की इनको सीने से लगा लूं, शायद ये मेरे बचपन की नावें थी, शायद ये उस बरखा के पानी की यादें थी, सोच रही थी गुमसुम खड़ी खड़ी, आंखें रही थी थकी थकी थकी, झरझर नीर उनसे टपक रहा था, हवा का एक झोंका ऐसा आया, देखा ना था वह लहरों का गुंजन, हवा का एक झोंका ऐसा आया, देखा ना था वहां लहरों का गुंजन, न थी वहां बचपन की नावें, ना वही तूफान, और था वही तूफान के बाद शांत समंदर, था वही तूफान के बाद शांत समंदर, था तो सिर्फ मेरा अकेलापन, था तो सिर्फ मेरा अकेलापन, मेरा अकेलापन। ये सारा की सारा इमेजिनेटिव, इमेजिन में वो नावें देखती रही। यही फिलॉसफी होती है मैम, जब हम जिंदगी को लहरों और चट्टानों और कविताओं और कागजों और नावों के माध्यम से समझते हैं, समंदर के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा सा मोड़ देकर नए अर्थ गढ़ते हैं। पंक्ति सुनिए, थोड़ा सा मोड़ देकर नए अर्थ गढ़ते हैं, हम भी देखो जिंदगी को पढ़ते हैं। यही तरीका है जिंदगी को पढ़ने का। तो मैं ये देख रही हूँ कि आज की शाम है ये बहुत ही खूबसूरत गुजरी है हमारी, और श्रोताओं से अपेक्षा है कि वो देखें, कमेंट करें और हमें उत्साहित प्रोत्साहित करें। जो हमारे जो शाम है यूं ही हर दिन हर शाम यूं ही गुलजार होती रहे। और मैं आप लोगों से अब इस साथ के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार, मिलेंगे कल शाम फिर नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार, धन्यवाद अमला जी, धन्यवाद आपको, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे, आपका भी बहुत जी, फिर मिलेंगे, नमस्कार, नमस्ते मैम, नमस्कार। City Live, a platform to sharing your thoughts. City Live, a platform to sharing your thoughts. Platform to sharing your thoughts.